बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद की खुशियाँ, वो भी चूड़ियों के खूबसूरत संग। अगर यहाँ पर खवातीन चूड़ियाँ ना पहने तो ये हो ही नहीं सकता। और मैं मौजूद हूँ सांगढ़ की मार्केट में उस सबसे पुरानी दुकान पर, जहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर चूड़ियों की दुकान होती थी और सबसे पुराने यहाँ पर बुजुर्ग कल्लू बल्लू चौक, तो आपने सुना होगा। आज मैं मिला रहा हूँ कल्लू के साथ, जो खुद इस कारोबार से मुस्लिम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल साहब, चूड़ी का कारोबार जदीद दौर के तकाजों में क्या क्या चीज़ बदली? हर चीज़ नहीं बदल गई। अभी स्टील में आ गई, मीने में आ गई, बुढ़ाई में आ गई। और प्लेन, पहले प्लेन चलती थी, मीने वाली चलती, दो आइटम चलते, अब तो हजारों आइटम है। आप कब से काम कर रहे हैं इसे चूड़ी का? मैं सन 60 से कर रहा हूँ। 60 से? अच्छा, आपका जो कल्लू नाम है सुना है, कल्लू बल्लू चौक से नाम है? हाँ, कल्लू बल्लू चौक मेरे नाम से है वो। अच्छा, आप और कल्लू पहले पहले वहाँ दुकान है, वो दोस्त था मेरा, इसका इंतकाल हो गया। अच्छा, तो ये इस जो चूड़ियाँ हैं कहाँ कहाँ से आप खरीद कर आते हैं, कितना यहाँ पर? शीशे वाली चूड़ी तो बनती है हैदराबाद में टोटल, बाकी कराची की फैंसी चूड़ी आती है, पंजाब की स्टील की चूड़ी आती है, सिल्वर की चूड़ी आती है। बिल्कुल, कल्लू को आज आपने मैंने मुलाकात करा ली है, ये भी बड़ी मेरे लिए अच्छी बात होगी, कल्लू से मेरी मुलाकात होगी, क्योंकि कल्लू बल्लू चौक तो मैंने सुना था, वहीं पर यहाँ पर हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। खवातीन ईद की खुशियाँ, सबसे ज़्यादा कौन सी चूड़ी पसंद करती है? सबसे ज़्यादा तो अभी जो टिकटॉक के डिज़ाइन चल रहे हैं, सेट जो है मोतियों वाले टिकटॉक सेट है, सबसे ज़्यादा अभी फेमस वही है हमारे पास। उसके हमारे पास सारे कलर हैं, हर किस्म के कलर होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइव रहमान भाई की वजह से, तो मैंने चलो आज बना ही दूँ, नहीं तो वैसे इतना टाइम नहीं होता। अच्छा, ये देख सकते हैं, इनका मोहब्बतों का शुक्रिया, ये अपने डिज़ाइन वगैरह बना रहे हैं, क्योंकि ये शहर के लिए बेचारे बहुत करते हैं, आगे पीछे हर चीज़ के अंदर। ये इस तरह के हैं, मेरे पास इसके अंदर 50 कलर हैं, आप जो भी कलर लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला आपको बना के देंगे, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा हमारे अलावा। अच्छा, आजकल कारोबार जदीद हो गया, टिकटॉक पर चीज़ तो जल्दी आ जाती है, फिर किस तरीके से मार्केट को ब्रेक करते हैं? इसलिए ब्रेक करते हैं कि ये जो है ना टिकटॉक पे आ गया, ये टिकटॉक पे है 1200 रुपये का, हमारे पास है 700 रुपये का, ये तो हमें ज़रूरत ही नहीं है टेंशन। लोग देखते हैं टिकटॉक पे, ख़रीदते हैं हमसे आगे, और उनको ये पता है कि हम सामने देख रहे हैं, ऑनलाइन कोई चीज़ ख़राब भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा हमसे चेंज करा लेते हैं, कलर वलर साइज़ वगैरह कोई परेशानी नहीं है शहर के लोगों के लिए। बिल्कुल, यकीनन चूड़ियाँ सबने पहननी है, तो वहीं पर आज चाचा कल्लू से भी बात हुई और मुन्ना से भी बात हुई, चूड़ी का कारोबार करने वाले ये लोग यहाँ पर खुश भी हैं और इनका जो कारोबार में भी इजाफा हो रहा है। अब्दुल रहमान खास के लिए मेरा सांगढ़।